श्री बालाजी महाराज के पावन चरणों में जय हो अपनी ओर से समर्पित कर रही हूँ। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। और बिल्कुल एक सीधी सी तर्ज आई है, सीधी सी तर्ज। सम्मानी हमारे दादा श्री प्रभु दयाल मिश्रा जी, आपके कर कमलों से भी ये 51 मुद्राओं का स्नेह मिल रहा है। क्या बात है। सम्मानी मिश्रा जी को हृदय से नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद है। एक धुन आई है। कौन सी बेटा, कौन सी, कौन सी, जल्दी बताओ। अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से, छुपी रहे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। तो नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। आखिर श्री हनुमान जी महाराज हैं कौन, कौन है बड़े, कौन है आखिर ये बालाजी महाराज, कौन है, कौन है। कहते के रुद्र देह तजने वस बानर भय हनुमान। समझते रहिए आप लोग, भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार हैं। और जब भगवान भोलेनाथ के ये अंशावतारी हैं, क्योंकि राम जी की सेवा करने के लिए ये रूप रखा था भगवान भोलेनाथ ने। क्या बात है, तो केवल अकेले अकेले भोलेनाथ नहीं आए, देखे साथ में और कौन है, कौन है। समान भैया श्री मौसम दुबे जी, आप लाहौर से पधारे हैं, आपकी ओर से भी 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हमारे भैया राम दुबे जी, आपकी ओर से पुनः 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। बाबा कल्याण करें आपका, धन्यवाद है। सुनिएगा, सुनिए। अरे माला जी का भजन करे, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा भाव से बालाजी का भजन करे, जो जो भी प्राणी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, बालाजी का भजन करे जो, तो उसकी निर्मल मति रहे। बालाजी का भजन करे जो, उसकी निर्मल मति रहे। तो उस व्यक्ति के साथ जो बालाजी का भजन सच्चे भाव से करता है, अरे बालाजी का भजन करे जो, उसकी निर्मल मति रहे। दादा जी आ गए। क्या नाम दादा? दादा नाम बताओ। ये हमारे दादाजी का आशीर्वाद मिला है। दादा बड़े दयालु हैं। 11 मुद्राओं के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से, धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। सुने आप। बालाजी का भजन करे जो, उसकी निर्मल मति रहे। और उसके तो 2400 घंटे अंग संग भगवती रहे। उस व्यक्ति के
साथ में 24 घंटे केवल कृपा हनुमान जी की नहीं साथ में माता की कृपा बनी रहती है। और क्या, क्योंकि हनुमान मंदिर के तो भोलेनाथ आ गए, लेकिन पार्वती मैया भी उनके साथ में ही है, वो भी पूछ बन करके। तो कहना पड़ा काला जी का भजन करे जो उसकी निर्मल मति रहे, और उसके तो 24 घंटे अंग संग भगवती रहे। और देखें एक टुकड़ा अपनी ओर से और जोड़ रही हूं। कैसे और कहना है, क्या कहना है? हालांकि नाम तो बाबा के तमाम प्रकार से लिए जाते हैं, कोई हनुमान के नाम से जान रहा है, कोई पवन पुत्र के नाम से जान रहा है, कोई बालाजी सरकार के नाम से जान रहा है, लेकिन तो धाम साला सर धाम बडाला भैया हमारे छोटे से भैया हैं जिनका नाम है कृष्णा त्रिपाठी बरहा, आपकी तरफ से 20 रुपए का ये पुरस्कार प्रदत्त हो रहा है। क्या बात, बाबा कल्याण करें आपका। लेकिन जो मुख्य पावन धाम है श्री बालाजी महाराज के, वो कौन है? कौन है? कौन है? धामसालासर धाम बडाला। एक है सालासर बालाजी, एक है बडाला बालाजी, और तीसरे धाम सालासर धाम बडाला मेहंदीपुर मशहूर हुए। मेहंदीपुर बालाजी, क्या बात है बेटे। माता अंजना हनुमान जी को सुला रही हैं और सुलाते हुए उन पर हाथ फेर रही हैं। हाथ फेरते फेरते हनुमान जी के शरीर से 3 बाल टूट कर गिरे जमीन पर, और उन्हीं 3 बालों से बालाजी के 3 स्थान बन गए। क्या बात है। पहले सालासर बालाजी, दूसरे बडाला बालाजी, तीसरे हैं मेहंदीपुर बालाजी। क्या बात है बेटा। तो पंक्ति कह रही है क्या? धाम सालासर धाम बडाला मेहंदीपुर मशहूर हुए, और बालाजी के धाम जो आया, बालाजी के धाम जो आया उसके संकट दूर हुए। आप बालाजी के धाम चले जाइए, चले जाइए, चाहे जिस प्रकार का भी संकट हो, कैसा भी संकट हो, सारे संकट वहां घुटने टेके बिल्कुल खड़े रहते हैं। ये बात तो सही है, किसी की नहीं चलती उनके आगे, बिल्कुल। इसीलिए बालाजी के धाम जो आया उसके संकट दूर हुए, और जब संकट दूर हो जाते हैं तब तब जीवन जिसने सौंप दिया बाबा के नाम कर दिया, अरे जीवन जिसने सौंप दिया उसके काम जरूर हुए, उसका कोई भी काम फिर बाधित नहीं रहता है। सही है। जीवन जिसने सौंप दिया अरे उसके काम जरूर हुए, और फिर अरे भक्ति में इतनी शक्ति है कि भक्ति में इतनी शक्ति है जो कांच थे कोहे नूर हुए। जो कांच भी थी वो कोहे नूर बन के चमकने लगे। वाह। तो मेरा कहना है क्या, बालाजी की भक्ति तो, बालाजी की भक्ति तो हर संकट को टालती रहे,
और उसके तो 2400 घंटे अंग संग भगवती रहे। एक बात और सुनिएगा आप लोग, क्या श्री बालाजी महाराज के 52 चरणों में कहना, क्या कहना? अब हालांकि मुख्य 3 स्थान बालाजी के तो यही है जो मैंने आपको बताए, और ये हमारे राम भैया राम दुबे जी आपकी तरफ से पुनः 11 रुपए का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये 21 मुद्राएं भैया हमारे लखन बघेले जी एक मिली आपकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद है। 100 रुपए का आशीर्वाद सम्मानी हमारे उमाकांत दुबे जी सौसरा वाले आपकी ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। आशीर्वाद की कामना है, बाबा कल्याण करें आप सभी का भंडार भरे। लेकिन सुने आप सुनिए, बालाजी के मुख्य 3 स्थान तो यही है, यही है, लेकिन अब उनके और भी ऐसे ऐसे पावन धाम हो गए हैं। कैसे? जैसे कैसे बागेश्वर पावन ये धाम है, एक नाम और चर्चा में है, कौन सा बेटे कौन सा? मेहंदीपुर बालाजी, बड़ाला बालाजी, सालासर बालाजी, हाँ। एक नाम और है जिनको कहा जाता है बागेश्वर बालाजी, राहुल तिवारी जी। राहुल तिवारी जी की ओर से ये 20 मुद्राओं का स्नेह आया है, भैया को धन्यवाद मेरी ओर से, धन्यवाद। सुनिए, बागेश्वर पावन ये धाम है, अरे प्रगटे जहां बजरंग बली, जहां बाबा ने भक्तों के संकट दूर करने के लिए अपना अवतार लिया है। बिल्कुल, बागेश्वर पावन ये धाम है, प्रकट जहां बजरंग बली, तो पवन पुत्र हनुमान के लगते जयकारे हैं गली गली। सभी लोग आप लोग भी दोनों हाथ उठा करके जोरदार जयकारा लगाइए, लगाइए, बोलिए बालाजी महाराज की जय। धन्यवाद। तो मेरा कहना है, अरे पवन पुत्र हनुमान के लगते जयकारे हैं गली गली, और जो भी अपनी शरण में जाता है, जाता है, जिसकी मैली चादर है, यानी जिसकी अंतरात्मा में दूसरों के लिए द्वेष की भावना है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भावना है, दूसरों के साथ बुराई करने की भावना है, वो भी उनके अगर दरबार में चले जाए तो होता क्या है? क्या होता है? जिसकी चादर मैली है, अरे भक्ति से हो जाती उजली, अरे सुख की बारिश हो जाती है, सुख की बारिश हो जाती है, छट जाती दुख की बदली, और जिनके वाकई में सहयोगी अगर हनुमान जी महाराज बन जाएं, वाकई में अगर हनुमान जी की कृपा हो जाए जिस पर, तो उसका क्या होता है? उसका रथ नहीं रुक सकता। क्या बात? यानी जीवन में कभी कोई संकट कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती है, कोई टेंशन आ ही नहीं सकती, उसका रथ नहीं रुक सकता, अरे बालाजी सा सारथी रहे। क्या बात है? उसका रथ नहीं रुक सकता, बालाजी सा सारथी रहे, उसके तो 2400 घंटे अंग संग भगवती रहे।
के चरणों में रख रही हूँ। कैसे? और कहना क्या? लोग कहते हैं कि हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हाँ। कोई कहता हम साई बाबा की पूजा करते हैं, हाँ हाँ। कोई शनि देव को मान रहा है, हाँ। कोई दुर्गा माँ को मान रहा है, और क्या? लेकिन सच्चाई क्या है भाई साहब? क्या है बेटे? मैं ये नहीं कहती कि आप भोलेनाथ की पूजा ना करिए, बिल्कुल, या साईं बाबा को ना मानिए या माता रानी को ना मानिए, हाँ। लेकिन सत्यता क्या है? क्या है? जो हनुमान जी महाराज है ये कौन है? कौन कौन है ये? कलयुग के राजा बालाजी। आज कलयुग में अगर किसी देवता का झंडा फहरा रहा है तो वो है श्री हनुमान जी महाराज। संसार के वाह क्या बात है। तो कलयुग के राजा बालाजी सारे चमन के माली हैं, तो भौरे तितली बुलबुल की, ये भौरे तितली बुलबुल की, भौरे तितली बुलबुल से मतलब है चाहे संसार में जो भी प्राणी हो, चाहे वो दीन दुखी हो, चाहे वो लंगड़ा लूला हो, चाहे वो निर्धन हो, बस सच्चे दिल से उनको याद कर ले एक बार, तो बाबा करते क्या है? कलयुग के राजा बालाजी सारे चमन के माली हैं, भंवरे तितली बुलबुल की करते हरदम रखवाली है। और एक बात और है, क्यारी क्यारी सुमन महकते, क्यारी क्यारी सुमन महकते और क्यारी सभी निराली है, और मांगते हैं सच्चे मन से बाबा से, अरे मांगते हैं सच्चे मन से खाली ना जाए सवाली है। मांगते हैं सच्चे मन से खाली ना जाए सवाली है। ये मेरा दावा है कि जो भी सच्चे मन से उनसे मांग ले वो कभी निराश हो ही नहीं सकता है ना बेटा ना। ये केवल मैं गाने के माध्यम से नहीं बता रही हूँ, ये मेरी आजमाई हुई बात है, बिल्कुल। तो मेरा कहना है, क्या कहना? शाम सवेरे राखी इनकी, शाम सवेरे राखी इनकी, अरे शाम सवेरे राखी इनकी सदा करती आरती रहे, शाम सवेरे राखी इनकी सदा करती आरती रहे, उसके तो 2400 घंटे अंग संग भगवती रहे। भजन करे जो बालाजी का निर्मल उसकी मति रहे, भजन करे जो बालाजी का निर्मल उसकी मति रहे, उसके तो 2400 घंटे अंग संग भगवती।